तो ये देखिए सब्जी कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल गोभी आलू की मटर की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, इसमें मैंने डाला है 2 बड़ा चम्मच ऑयल। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू, इसको लंबे लंबे शेप में काट लिया है। इसको मैं पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी आलू को। तो इसका स्पीड थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि सभी को पता है ये आलू फ्राई कैसे होते हैं, तो मतलब स्पीड थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, तो आपको शॉर्ट शॉर्ट करके थोड़ा दिखाया है मैंने। तो यहाँ ये आलू अच्छे से पक गए हैं। तो देखिए अब मैं इसको छन्नी से निकाल लूँगी, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसमें निकल जाएगा नीचे। तो यहाँ मैंने आलू को फ्राई कर लिया है। एक आलू को मैंने 4 पीस कर लिए हैं, 4-5 उसको कट कर लिया था लंबे शेप में। तो इसको देखिए ये आलू को मैंने सब इसका ऑयल सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकल गया प्लेट में। देखिए आलू को फ्राई कर लिया है। यहाँ मैंने गोभी ले लिया है, इसको इस साइज़ में काट लिया है। आप चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं गोभी को। तो यहाँ पे गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की गोभी ली थी, इसको भी मैंने कट कर लिया था। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको थोड़ा पका लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा ये पक चुका है। इसी तरह से इसको भी अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा क्रंची हो जाएगा। और यहाँ ये पक चुका है, इसको भी गोभी को भी निकाल लेंगे। सारा ये गोभी को अच्छे से निकाल लिया है, सारा ऑयल निकल गया है जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका। अब इसको भी एक प्लेट में रख देंगे। यहाँ थोड़ा ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं कम करूँगी, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इतना यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ऑयल को थोड़ा कम कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी राई, राई का स्वाद बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग। इसको अच्छे से चला दूंगी, मिक्स कर दूंगी सभी को। अब मैं इसमें डालूंगी 1 इंच अदरक घिसा हुआ, कद्दूकस से घिस लिया था, और एक हरी मिर्च चॉप की हुई, वो इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और ये बिना प्याज लहसुन का है, तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। आपके गेस्ट आए या व्रत वगैरह हो तो आप बना सकते हैं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखते रहिए ऐसे ही वीडियो आगे भी। अब मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया था, महीन चॉप कर लिया था, वो इसमें मिक्स कर दिया है। इसको अच्छे से चला दिया है। अब मैं इसी में साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, तो जो और अच्छे से पक जाएगा टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप मैंने यहाँ फ्रेश मटर ले लिया है, अगर आपके पास फ्रोज़न मटर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश मटर लिया है, इसको भी अच्छे से चला के, क्योंकि इसमें नमक भी डाला है, तो थोड़ा ऐसे ही इसको दोनों टमाटर और मटर को अच्छे से पकने देंगे, ये पक जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं पकेगा तो आप बॉइल करके भी इसको मटर डाल सकते हैं, लेकिन ये पक जाएगा, तो इसीलिए मैंने टमाटर के साथ इसको डाल दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि टमाटर के साथ नहीं पकती है, तो देखते रहिए आप कैसे पकती है। तो ये पक जाएगी अच्छे से, क्योंकि नमक भी डाला है मैंने, और मसाले के साथ ईजिली पक जाती है। तो अगर आप बॉइल करके डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो फिर से मैं अब इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको चला दूंगी अच्छे से, और 1 चम्मच लगभग 1-2 चम्मच लगभग इसमें पानी डालूंगी, जो ये मसाला ना ही जले, क्योंकि जो मसाला मैंने ऊपर से डाला, और मटर आपको दिखाती हूँ, देखिए ये पक गया है ना, ये थोड़ा और पक चुका है, थोड़ा और पक जाएगा मसाले के साथ ही। तो थोड़ा इसमें मैं डालूँगी पानी, तो आप देख सकते मैंने
बोलो वही एक बड़ा चम्मच पानी डाला है इसमें। अब इसको अच्छे से चला देंगे। और इसको ढक्कन लगाकर थोड़ा ऐसे ही पकने देंगे। तो 5-10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो देखिए ये ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं यहाँ कर दूंगी गैस को ऑफ और थोड़ा इसका मतलब जो मसाला है थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और ये मटर देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब मैंने यहाँ लिया है 4 बड़े चम्मच दही, इसको मैं अच्छे से मैंने फेंट लिया था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और गैस को मैंने अभी ऑफ कर दिया है और इसको अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं चलाएंगे तो ये दही इसमें फट जाएगा। तो इसको अच्छे से चलाते रहिए, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी और सिम पे इसको थोड़ा ऐसे ही पकने दूंगी और थोड़ा चलाते चलाते पकाना है इसको। गैस को हमने ऑफ इसलिए किया था क्योंकि अगर हम गैस को ऑन रखेंगे तो ये दही फट जाएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा नॉर्मल होने पे इसमें दही डाला है। और अगर आप गैस ऑन रखेंगे तो दही ये फट जाएगा। तो देखिए अच्छे से ये पक रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो गोभी और आलू को फ्राई करके रखा है वो इसमें मिक्स कर देंगे। बिल्कुल आप जो शादियों में गोभी आलू खाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही टेक्सचर आएगा। एक बार आप घर में ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और एक बार आप ज़रूर ये सब बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और देखिए इसी तरह मैंने यहाँ पे सभी को मिक्स कर दिया है और थोड़ा ढक्कन लगा के इसको पका लेंगे 5-10 मिनट के लिए। ऑयल मैंने कम डाला है इसीलिए थोड़ा आपको दिख रहा होगा, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा, अगर आप खाते हैं तो। हम लोग कम ही खाते हैं तो हम कम ही यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक हरी मिर्च को मैंने लंबे शेप में कट कर लिया था और थोड़ा सा अदरक को अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लंबे लंबे शेप में काट लिया था वो इसमें डाल दूंगी। अब मैंने यहाँ एक टमाटर को लंबे शेप में काटा है, इसके बीज वगैरह निकाल दिए हैं, थोड़ा इसको और अच्छा लुक आ जाता है। इसको थोड़ा से ऐसे ही रख के और इसको चला के चला देंगे यहाँ पर। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ढक्कन लगा के इसको थोड़ा पका लिया है। तो देखिए यहाँ पर गोभी बनकर रेडी हो गई है और इतना खुशबू आ रहा है इसमें। थोड़ा सा कसूरी मेथी और डाला है, आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गर्म मसाला और गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और बस इसको अच्छे से चलाएँगे और सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।